हेलो फ्रेंड्स, 14 सितंबर की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से नौ न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है पेट्रोल डीजल शुड कम अंडर जीएसटी। तो ऑयल मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल जिसको जीएसटी में नहीं इंक्लूड किया गया है उनको जीएसटी के अंदर लाना चाहिए। इनके ऊपर काफी हाई टैक्सेस है, स्टेट गवर्नमेंट इनके ऊपर टैक्सेस लगाती है, द वैल्यू एडेड टैक्स, इवन एक्साइज ड्यूटी जो इनपे लगती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, जो ड्यूटीज काफी हाई है फिलहाल। और एक चीज है कि पेट्रोल और डीजल दोनों को डीरेगुलेट किया गया है, मतलब गवर्नमेंट इनका प्राइस कंट्रोल नहीं करती है, ये इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस है वही रेट्स पे ये अब आते हैं। तो डी कंट्रोल तो हो गया है, प्लस इवन डेली रिवीजन लाया गया है। पहले फोर्टनाइटली मतलब दो हफ्ते में एक बार होता था ये चेंज कि प्राइसेस जैसे इंटरनेशनल मार्केट में चेंज होते हैं वैसे इंडिया में यहाँ पे रेट्स चेंज हो, पर अब डेली रिवीजन लाया गया है क्योंकि फोर्टनाइटली चेंजेस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस भी हो सकते हैं, तो उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। तो सिंस जून हम देख रहे हैं कि 16 जून से ये डेली रिविजन हो, तो ये यहाँ पे अब जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम भी हुए थे तो इंडिया में प्राइसेस कम नहीं हुए थे क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस उन पे बढ़ा दिया। प्राइस तो कम हो गया था लेकिन जो प्राइस पे आपको बेचा जाता है पेट्रोल डीजल आप खरीदते हैं उसके अंदर टैक्स भी इंक्लूडेड होता है, तो अगर प्राइस कम है तो टैक्स बढ़ा दिया तो वही है, कंज्यूमर्स को कोई फायदा नहीं हुआ। तो यही है, तो काफी इंक्रीज किया है स्टेट्स ने प्राइसेस इन पे वैल्यू एडेड टैक्स, अब गवर्नमेंट चाह रही है के इसको जीएसटी के अंदर लाना चाहिए, उसके लिए स्टेप्स लिए जाए। तो ऑफ कोर्स सेंटर स्टेट दोनों का जॉइंट अप्रूवल चाहिए इस स्टेप लेने के लिए, ये है। प्लस वो कह रहे हैं कि हम टैक्सेस कम नहीं करने वाले इनके ऊपर, क्योंकि ये ऑयल मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि एक बैलेंस चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेशन से कंट्री की डेवलपमेंटल नीड्स का ध्यान रखती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमको टैक्सेशन की जरूरत है। लेकिन ये पेट्रोल डीजल पे जो टैक्सेस होते हैं वो एंटायर पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यही है, तो अब वही कह रहे हैं वो कि इसको जीएसटी के अंदर लाया जाए। और ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए, इंडिया अराउंड 80% पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा मेजर रिक्वायरमेंट जो है वो इम्पोर्ट से ही सेटिस्फाई होता है। तो ये है डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग डेली चेंजेस के बारे में कि कैसे ये इम्प्लीमेंट किया गया है इन इंडिया। फिर अगला न्यूज आइटम है जापानीज पीएम शिंजो अबे प्रोमिसेस पीस प्रॉस्पेरिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया में विजिट पे है और अहमदाबाद में इन्होंने इनॉग्रेट किया हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट, दैट इज द बुलेट ट्रेन बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद, ये हमने ऑलरेडी देखा है। इसके अलावा जापान इंडिया डिफेंस रिलेशन मिलिट्री रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन किए जा रहे हैं। इंडिया चाहती है US-2 एम्फीबियन एयरक्राफ्ट शिनमेवा एयरक्राफ्ट ही हम खरीदना चाहते हैं, जो जापान अब रेडी हो जाएगी, ऐसे मतलब लाइकली है कि हम इसको खरीद पाएंगे, अब जापान से जापान इसको अप्रूव करेगी। इंडिया जापान न्यूक्लियर डील को भी अब अप्रूव किया गया, लेजिस्लेटिव अप्रूवल मिला है फ्रॉम जापान, मतलब जापान का लेजिस्लेशन डाइट इन्होंने इसको रेटिफाई किया है, तो अब हम न्यूक्लियर रिलेशंस भी वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर। ऑलरेडी वेस्टिंग हाउस जो एक अमेरिकन कंपनी है जिसको जापानीज न्यूक्लियर मेजर तोशिबा ने अक्वायर कर लिया है और ये प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में इनिशिएट होने हैं, तो अब इसके क्रिटिकल कंपोनेंट्स तोशिबा के थ्रू आते थे, तो इंडिया जापान न्यूक्लियर डील के साथ बाद ये प्रोजेक्ट भी अभी पिकअप करेगा। तो ये है, हालांकि वेस्टिंग हाउस बैंकक्रप्ट हो गई है। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया जापान साइन पैक्ट ऑन स्टेम सेल रिसर्च। तो स्टेम सेल रिसर्च में हमारा कॉपरेशन पहले से भी है और अब उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो कॉपरेशन है बिटवीन क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेल्लोर एंड क्योटो यूनिवर्सिटी जापान, तो ये अग्रीमेंट को और 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। यहाँ पे स्टेम सेल रिसर्च की जाती है, स्पेशली उसके एप्लीकेशन जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सेसिबल बनाया जाए, ये इसके लिए होता है। जो डिजीजेस होते हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, बीटा थैलेसीमिया, ब्रेन डिसऑर्डर्स, इसको हम इससे ट्रीट कर सकते हैं, तो इसके लिए रीजनरेटिव मेडिसिन जो होती है स्टेम सेल्स यूज करके ये किया जा सकता है। तो इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल बायोलॉजी, ये क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, स्टेम सेल क्या होता है, आईपीएस सेल्स क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे, इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स। और एक पॉइंट रखी गई है कि इवन हेल्पलो बैंक बनाने के लिए हेल्प करेंगे, हेप्लो बैंक रेलेवेंट टू इंडियन पॉपुलेशन। तो हेप्लो बैंक मतलब कि एम्ब्रायनिक सेल्स का एक बैंक हो, स्पेशली मेंटेन्ड कलेक्शन हो एम्ब्रायनिक सेल्स का जो हम यूज कर सकते हैं,
फॉर रिप्लेसमेंट ऑर्गन्स, तो उससे उससे हम रिप्लेसमेंट ऑर्गन्स बना सकते हैं। स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जिससे आप कोई भी टाइप का सेल बना सकते हैं। तो वही ये टेक्नोलॉजी में जापानीज एक्सपर्टीज है, क्योंकि जापानीज साइंटिस्ट शिनिया यामानाका ने 2012 में नोबेल प्राइज जीता था फॉर रिप्रोग्रामिंग मैच्योर स्टेम सेल्स। तो ये मेडिसिन इससे डेवलप की जा सकती है, इसका मेडिकल एप्लीकेशन काफी ज्यादा है। तो वही है, तो यही है स्टेम सेल क्या होता है। पहले तो स्टेम सेल जो है ये सिंगल सेल्स होते हैं, तो ये सिंगल सेल्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है जो डिवाइड भी हो सकते हैं, रिप्लिकेट कर सकते हैं और अलग अलग टाइप के सेल्स बन सकते हैं, तो इनको कहते हैं स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि टोटिपोटेंट टर्म होता है, मतलब टोटल पोटेंशियल इनका, वो किसी भी तरह का सेल बन सकते हैं ऐसे। प्लूरिपोटेंट मतलब प्लूरल टाइप के स्टेम सेल्स बन सकते हैं, प्लूरल पोटेंशियल इनका, अलग अलग टाइप के सेल्स बन सकते हैं। फिर ब्लड स्टेम सेल्स होते हैं और अलग अलग टाइप के, जो फिर डिफरेंशिएट होकर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल बनते हैं। तो जब बच्चा जब अर्लियर स्टेज में होते हैं, जैसे कि एग, फीमेल एग और मेल स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो सिंगल सेल एम्ब्रियो बनता है, तो ये एक सिंगल सेल, ये स्टेम सेल ही है, मतलब कि ये डिवाइड होके फिर एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स ही इधर से हम फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेम सेल्स होते हैं और इवन ये लैब में बनाए जा सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो मतलब सिंगल सेल से डिवाइड होके, रेप्लिकेट होके और डिफरेंशिएट होके अलग अलग तरीके के स्टेम सेल्स बन के ह्यूमन भी बनता है, जो फीटस बनता है वो। तो अर्लियर स्टेज में उसको एम्ब्रियो कहते हैं और बाद में फीटस होता है, जो बाद में इवेंचुअली ह्यूमन बॉर्न होता है। तो ये जो क्लोनिंग होता है, क्लोनिंग कैसे होता है कि एक एग सेल लिया है और इस एग सेल में से हमने न्यूक्लियर मटेरियल निकाल लिया और जो डोनर सेल है उसका न्यूक्लियर मटेरियल इसमें इंसर्ट कर दिया और फिर इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो ये एग्जैक्टली सेम सेल है जैसे ये डोनर सेल का है, वही सेल है ये जिसमें से पूरा यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है और ह्यूमन भी क्लोन बन सकता है। तो ये स्टेम सेल्स यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकते हैं थ्रू क्लोन एम्ब्रियोस। एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स होते हैं और ये इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो होते हैं, मतलब एडल्ट सेल्स जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है, उनको फिर से बैक उल्टा स्टेम सेल्स बनाया जाए, तो इसको कहते हैं इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो ये किया जाता है बाय एडिशन ऑफ जीन्स केमिकल्स, तो उसके थ्रू ये हो सकता है। तो एडल्ट स्टेम सेल्स भी होते हैं, मतलब एम्ब्रायो में तो स्टेम सेल्स होते हैं और एडल्ट में जैसे फीमेल्स के अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड में स्टेम सेल्स होते हैं, प्लेसेंटा एम्नियोटिक फ्लूइड में वो टाइम पे स्टेम सेल्स होते हैं, प्लस इवन इन एनी एडल्ट बोन मैरो में के अंदर भी यहाँ पे स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एडल्ट स्टेम सेल्स। फिर अगला न्यूज आइटम है, इंडिया हैज नैरो पूल ऑफ मस्टर्ड वैरायटीज से एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स। तो जो जीएम मस्टर्ड है जिसको हमने कई बार डिस्कस किया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, तो इसके ऊपर काफी कॉन्ट्रोवर्सी है। डीएमएच 11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट मिस्टर दीपक पेंटाल ने डेवलप किया है थ्रू यूनिवर्सिटी फंड्स, तो गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है ये, और ये डीएमएच 11 को जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है, बट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का अप्रूवल इसमें बाकी है, प्लस सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये एक्टिविस्ट अरुणा रॉड्रिक्स, उन्होंने केस फाइल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी में अपॉइंट की थी, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑन दिस मैटर। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो दिया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में वो ये था कि इंडिया में अराउंड 9000 वैरायटीज ऑफ मस्टर्ड है, तो इंडिया इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन डाइवर्सिटी ऑफ मस्टर्ड, मतलब इतनी सारी वैरायटीज है, तो अगर जीएम मस्टर्ड इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो ये पूल जो है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये सारी वैरायटीज जो है वो लॉस हो जाएगी और जीएम मस्टर्ड ही डोमिनेट करेगा। तो इसीलिए टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया और उन्होंने भी यही कहा कि इंडिया में जेनेटिक डाइवर्सिटी है। तो अब ये न्यूज है कि नास, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, जो 600 मेंबर बॉडी है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट की, इन्होंने जून 2017 में ऑलरेडी डीएमएच 11 को अप्रूवल दिया था रेजोल्यूशन पास करके, और अब वो कह रहे हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि मस्टर्ड वैरायटी इतनी सारी है इंडिया में, तो ये एक्चुअली जो सारी वैरायटीज है वो वाइल्ड रिलेटेड स्पीशीज है, तो ये कमर्शियली यूज नहीं किया जा सकता ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, तो ये कमर्शियली यूजफुल नहीं है। पर फिर भी जो है आर्ग्यूमेंट यही दिया जा रहा है कि ये ऑलरेडी साइंटिफिक डेटा है, तो इवन नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बॉडी है, इन्होंने भी कहा है कि डाइवर्सिटी है इंडिया में, तो ऐसे साइंटिफिक बॉडी को अनसाइंटिफिक व्यू क्यों देना चाहिए कि डाइवर्सिटी नहीं, डाइवर्सिटी तो है।
और जीएम मस्टर्ड के ऊपर ये भी हमने डिस्कस किया था, ये सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है, तो इसके जो वीड्स होते हैं इसमें हर्बिसाइड टॉलरेंस भी है, और हर्बिसाइड टॉलरेंस होने की वजह से अगर कोई वीड के साथ यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया ऑफ डीएमएच 11 क्रॉस पॉलिनेशन, तो सुपर वीड्स बन सकते हैं जिनको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स नहीं प्रमोट करने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले ऑर्डर दिया, तो ये भी एक उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट है जीएम मस्टर्ड के अगेंस्ट। तो यही है, कई बार हमने इसको डिस्कस किया, अब तक ये कॉन्ट्रोवर्सी ही है, इस पे कोई डिसीजन लिया नहीं गया। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडो रशियन वॉर गेम्स इन अक्टूबर। तो इंडिया रशिया की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज होती है इंद्रा, तो ये इंद्रा एक्सरसाइज को अब एक्सपांड किया जाएगा इंटू अ ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज, मतलब कि आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों इन्वॉल्व हो गए। तो ये डिसीजन लिया गया है और अक्टूबर में ये फर्स्ट टाइम इंडिया कोई भी कंट्री के साथ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज करेगी। तो ये न्यूज है, तो ये जॉइंट एक्सरसाइज कहा जा रहा है इंटरनेशनल टेररिस्ट एक्टिविटीज को सप्रेस करने के लिए किए जाएंगे अंडर यूएन मैंडेट, और ये सारी एक्सरसाइजेस है, काफी कंट्रीज के साथ हम जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं। तो इंडियन यूएस नेवी के साथ जैसे मलबार एक्सरसाइज है जिसको एक्सपांड करके इवन जापान को भी इंक्लूड किया गया है, फिर इवन सिम्बेक्स विद सिंगापुर, वरुण विद फ्रांस, इंद्रा जैसे हमने देखा भी रशिया, यूके के साथ कुंकन एक्सरसाइज है, तो श्रीलंका स्लिनेक्स वगैरह, ये सारी एक्सरसाइज है जॉइंट एक्सरसाइज। फिर अगला न्यूज आइटम है रशिया कम्स फॉरवर्ड टू रीबिल्ड अलेप्पो। तो अलेप्पो सीरिया में यहाँ पे जो फाइटिंग चल रही थी बिटवीन द रिबेल्स, सीरियन रिबेल्स जिनको यूएस सपोर्ट करते हैं, वेस्टर्न पावर्स सपोर्ट करते हैं, और गवर्नमेंट फोर्सेस जो बशर अल असाद गवर्नमेंट है जिनको रशिया सपोर्ट करती है, तो ये फाइटिंग जो चल रही थी फाइनली 2016 में, अब ये सीरिया जो है सीरिया की अलेप्पो सिटी सीरियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में, बशर अल असाद गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई है, और यहाँ पे जो एंशियंट मॉस्क है उमायद मॉस्क उसको भी काफी डैमेज हुआ है, तो अब उसको रिपेयर करने के लिए रशियन चीफ यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं कि वो रिपेयर करेंगे। इवन रशिया यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल वगैरह कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से लाया जाए यहाँ पे, प्लस ऑल्सो वो मिलिट्री पुलिस भी यहाँ पे ला रही है रशिया ताकि यहाँ पे लूटिंग ऑर्डर मेंटेन किया जा सके, लूटिंग प्रिवेंट किया जा सके, तो वो यहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ये अलेप्पो सिटी के बारे में, यहाँ पे रशिया ही यहाँ पे सीरियन गवर्नमेंट को, बशर अल असाद गवर्नमेंट को एयर स्ट्राइक्स करके सपोर्ट कर रही थी और फाइनली इसको जीता गया। इवन सीरियन गवर्नमेंट ने ईरान के साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि गैस यूनिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा सके ताकि इलेक्ट्रिसिटी और पावर फिर से अलेप्पो में रिस्टोर किया जाए। तो ये यहाँ पे सीरिया का जो है स्टेटस वो दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये जो रीजन है ये पूरा कुर्दिश फोर्सेस, कुर्दिस्तान जो है डिमांड, तुर्की में भी कुर्दिश है, तो ये कुर्दिश फोर्सेस के अंदर इतना रीजन कंट्रोल में है। पिंक रीजन जो है ये सीरियन रिबेल ग्रुप्स जिनको वेस्टर्न पावर सपोर्ट करते हैं उनके अंदर है, जो बशर अल असाद गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। ग्रीन रीजन जो है वो सीरियन गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय रशिया, बशर अल असाद गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई है, और ये ग्रे रीजन जो है वो इस्लामिक स्टेट आईएस के कंट्रोल में। तो आप देख सकते हैं ग्रे रीजन कम हो रहा है, अलेप्पो आ गया है फिर से सीरियन गवर्नमेंट के पास, इवन पलमीरा इज अंडर सीरियन गवर्नमेंट, रक्का अभी भी इस्लामिक स्टेट के कंट्रोल में। फिर अगला न्यूज आइटम है सू की नॉट टू अटेंड की यूएन मीट। तो ये ऑंग सैंग सू की के बारे में है जो म्यांमार में एक प्रोमिनेंट लीडर है, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी 1980s में जब यहाँ इलेक्शंस हुए थे, और उनकी पार्टी जीती भी थी, पर क्योंकि मिलिट्री रूल था म्यांमार में तो उनको अलाव नहीं किया गया था गवर्नमेंट बनाने के लिए, उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया था फॉर इयर्स डेकेड्स, और उनको इवन नोबेल पीस प्राइज दिया गया था उनके फाइट के लिए, और फाइनली अब म्यांमार में डेमोक्रेसी लाई गई है, मिलिट्री रोल कम किया गया है, काफी कम किया गया है, और अब आंग सैन सू की हालांकि लीडर बनाई नहीं गई, नेशनल प्रोमिनेंट टॉप पोस्ट नहीं मिला उनको, उनको अलाव नहीं किया गया बिकॉज शी हैज फॉरेन हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, तो ऐसे लॉ लाया गया कि जिनके फॉरेन फैमिली फॉरेनर्स है उनको अलाव ना किया जाए ताकि इनको एलिजिबल ना बनाया जाए, पर फिर भी वो एक नेशनल लीडर है, उनकी पार्टी पावर में है, और फिलहाल जो म्यांमार में चल रहा है रोहिंग्या मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज हो रही है, यहाँ पे 4 लाख रोहिंग्या मुस्लिम्स यहाँ से भाग रहे, एंटर कर रहे
रेफ्यूजीज बन गए इन बांग्लादेश एंड अदर कंट्रीज। ये सारा 25 अगस्त से पूरा शुरू हुआ है ये एग्जोडस, क्योंकि जो रखाइन स्टेट है, वेस्टर्न स्टेट है ऑफ म्यांमार, यहाँ पे जो रोहिंग्या मिलिटेंट्स भी है, क्योंकि ये रोहिंग्या के अगेंस्ट कई टाइम से इनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज की जा रही है, इनको सिटीजनशिप भी नहीं दिया गया, इनकी सिटीजनशिप हटाई गई, उनको कहा जाता है ये बांग्लादेशी है, ये म्यांमार के रेसिडेंट्स नहीं है, तो उनको सिटीजनशिप भी डिनाई की गई है वहां पे, वो स्टेटलेस रह रहे हैं यहाँ पे, और बुद्धिस्ट मेजोरिटी जो म्यांमार पॉपुलेशन है वो इनके कम्प्लीटली अगेंस्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे रोहिंग्या मिलिटेंट्स भी है और इन्होंने अटैक किया पुलिस पोस्ट और आर्मी कैंप पे। तो इस इंसिडेंट के बाद जो काउंटर अटैक हुआ, काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन हुआ मिलिट्री का, वो इतना भयानक था कि सारे यहाँ पे जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है वो यहाँ से अब भाग रहे, कह रहे कि ये एक स्टेप लिया गया हमको यहाँ से निकालने के लिए, तो वही है। और ये काफी सारे विलेजेस को यहाँ पे जलाया भी गया, जो कहा जा रहा है कि मिलिट्री का काम था, पर मिलिट्री डिनाई करती है, बुद्धिस्ट सिविलियंस डिनाई करते कि हमारा काम नहीं है। तो ये पूरा जो है क्राइसिस जो चल रहा है, इस कंटेक्स्ट में आंग सैन सू की को भी कहा जा रहा है कि उनका नोबेल पीस प्राइज उनसे ले लेना चाहिए, क्योंकि वो ये क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं कर पा रही है। और फिलहाल यही न्यूज है कि उन्होंने यूएन जनरल असेंबली मीट में जाने को कैंसिल किया है, क्योंकि उनकी कंट्री में इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है, बीपीसीएल आईज गेल ऑयल इंडिया फॉर मर्जर। तो मर्जर जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली ने अनाउंस किया था इन हिज बजट स्पीच इन 2017 कि जो पीएसयूज है, ऑयल पीएसयूज है, इनको मर्ज करना चाहिए ताकि एक मेजर ऑयल पीएसयू बने इंडिया की, ताकि जो ग्लोबल ऑयल फर्म्स है उनके साथ वो ग्लोबली कम्पीट कर सके। तो इसीलिए हमने ऑलरेडी देखा है कि एचपीसीएल और एनजीसी का मर्जर अप्रूव किया गया है, अब बीपीसीएल जो इनकी राइवल है वो चाहती है कि उनका भी मर्जर किया जाए विद गेल एंड ऑयल इंडिया, तो ये उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल मांग रही है। ये HPCL ONGC के अप्रूवल के बारे में है। तो 51.11% स्टेक जो HPCL में गवर्नमेंट का है वो ONGC को ट्रांसफर किया जाएगा, तो गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है और ये खरीदा जाएगा बाय ONGC। तो ये पूरा जो डील है, तो इससे इवन गवर्नमेंट का जो मेजर डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है, द लास्ट वन, ट्राई चीफ कॉल्स फॉर जीरो कॉस्ट फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो जो ट्राई के चेयरमैन, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है मिस्टर आरएस शर्मा, उन्होंने कहा है कि इंडिया में जो एमडीआर है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो लगाया जाता है, उसको कम कर देना चाहिए, जीरो कर देना चाहिए, स्पेशली फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसकी वजह से जो एडिशनल कॉस्ट होता है, इस वजह से डिजिटल पेमेंट्स को इंसेंटिव नहीं मिलता, रादर दिस इंसेंटिव मिलता। तो इसीलिए वो ये कह रहे कि इसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए, इवन तो दूसरे इश्यूज है जैसे कि डेटा ओनरशिप इशू है, प्राइवेसी का इशू है कंट्री में, इसको भी जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। तो ये इनका व्यू पॉइंट है। एमडीआर क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया, एक बार और देख लेंगे। यहाँ पे दिखाया गया है कि जब आप क्रेडिट कार्ड से एग्जाम्पल आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जब, तो ये आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करोगे जो एक पर्टिकुलर बैंक का है, और इस मर्चेंट, इस शॉपकीपर से आप ये स्वाइप करके यहाँ पे आप पेमेंट करोगे। तो ये जो स्वाइप किया जाता है, तो एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये फीस पे किया जाता है इन दिस प्रोसेस। तो ये जो है, तो ये इनकी भी एक बैंक होगी, मर्चेंट की भी एक पर्टिकुलर बैंक से ये ट्रांजेक्शन हो रहा होगा, तो ये अक्वायरर बैंक है। तो ये जो इश्यूअर बैंक है, जब ये $100 का पेमेंट करेगी, तो एक इंटरचेंज फी वो खुद कट करेगी और पेमेंट करेगी थ्रू द कार्ड में, और अक्वायरर भी एक अक्वायरिंग फी कट करेंगी बैंक और फिर पेमेंट करेगी टू द मर्चेंट। तो ये $2.2 का पूरा मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक चार्ज लगाया जाता है फॉर दिस डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो ये जो है चार्ज, इसको एलिमिनेट करने के लिए डिमांड किया जा रहा है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।